अमृत काल में जिंदा रहने की जंग जारी। हम भले ही अमृत महोत्सव का जश्न मना ले, लेकिन ये जश्न देश में रहने वाले हर लोगों के लिए एक समान नहीं है। फुटपाथ, फ्लाईओवर, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों में रहने वाले सैकड़ों लोग आज भी जिंदा रहने के लिए जंग लड़ रहे हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। इस देश के फुटपाथों में, रेलवे स्टेशनों में, फ्लाईओवरों के नीचे और अस्पतालों के बाहर हमें चादर बिछाए कई लोग दिख जाते हैं। पंखे, कूलर और एसी के बावजूद इस भीषण गर्मी में हालत खराब है, तो ज़रा सोचिए इस मौसम में खुले आसमान के नीचे इनका जीवन कैसा होगा। ऐसा नहीं है कि इन लोगों का शरीर हम और आप जैसे लोगों से अलग है या इनमें ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता है। इन लोगों को भी हम और आप जैसों की तरह ही शरीर को जला देने वाली भीषण गर्मी का एहसास होता है और हर मौसम में ये लोग जिंदा रहने की जंग लड़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिंदा रहने की इस जंग में इन लोगों की जीत ही हो, ये लोग इस जंग में कई बार हार जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। आंकड़ों की माने तो बीते 1 मई से 19 जून तक दिल्ली की सड़कों में 789 अज्ञात शव मिले हैं। मतलब 1 मई 2024 से 19 जून 2024 तक औसतन हर रोज 15 अज्ञात शव मिले हैं। सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट नामक एक गैर सरकारी संस्था के शोध से पता चलता है कि दिल्ली की सड़कों पर बीते एक दशक में कुल 30,731 अज्ञात शव मिले हैं। साल 2024 की बात करें तो सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दिल्ली की सड़कों से जनवरी में 306, फरवरी में 231, मार्च में 284, अप्रैल में 292, मई में 441 और जून तक 348 अज्ञात शव मिले हैं। इस संस्था के संस्थापक सुनील कुमार बताते हैं कि उन्होंने अप्रैल के आखिर में ही दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को पत्र लिखकर बेघर लोगों की स्थिति से अवगत करवाया था, लेकिन इसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया गया और यही कारण है कि दिल्ली की सड़कों पर 11 जून से 19 जून के बीच 192 लोगों की जानें चली गई। सुनील कुमार बताते हैं कि इस समस्या को लेकर उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज से लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण को भी पत्र लिखे हैं, लेकिन सरकार ने इन बेघरों के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली की सड़कों में गुजर बसर करने वालों की संख्या लाखों में है, जिन्हें जिंदा रहने और अपना पेट भरने के लिए जंग लड़ना पड़ता है। भीषण गर्मी भी रोज उनका इम्तिहान लेती है, कब इनका दिन आखिरी हो ये इनको भी पता नहीं होता। सड़कों पर रहने वाले सैकड़ों लोगों की भूख से तो कभी दवाइयों की कमी से मृत्यु हो जाती है। इन सब से अगर बच भी जाए तो बदलता मौसम इनकी जान ले लेता है, क्योंकि इनके पास सिर ढकने के लिए कोई घर नहीं है। लाखों बेघरों की संख्या वाले इस दिल्ली शहर में कुल 343 रैन बसेरे हैं जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि इन बसेरों में 20,000 से अधिक लोगों की रहने की क्षमता है, लेकिन इनकी क्षमता और सुविधा ऐसी नहीं है कि इसमें इतने लोग रह सके। यह समस्या सिर्फ दिल्ली की ही नहीं है, बल्कि अन्य शहरों में भी सैकड़ों लोग खुले आसमान में अपना जीवन यापन करते हैं। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।